मोटर ट्विन करने के लिए इसमें सिक्स स्टार सिक्स पंजीशन वन डालना, डालने के बाद उसके बाद कोई सा भी ये दबा दो या कोई दबा दो, ये ट्विन होना शुरू हो जाएगी। अब मशीन मोटर ट्विन होना शुरू हो गई है, जैसे ट्विनिंग कंप्लीट हुई ट्विन कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको आना है बैक अप टू के सेल्फ ट्विनिंग के लिए, इसको जाना हमें 2K5 में, ठीक है, इसको एंटर करना है, इसमें वन डालना है और इसको प्रेस कर देना है, तो ये खुद ब खुद क्लोज करेगी, डोर ओपन करेगी, फिर डोर क्लोज करेगी अपने आप, ये ट्विनिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ से इसको अगर स्टॉप करना चाहते हैं पहले तो इससे जैसे दबा दिया ये रुक गई। अब उसके बाद आप पैरामीटर सेट करते हैं एडजस्ट के लिए, ओपन क्लोज के लिए पैरामीटर में आ गए हम इसको पहले 0-0 कर लेगा, 0-0 कर लिए, अब चेक करता है ओपन के लिए मैंने स्पीड रखना 20 हर्ट्ज, वो होगा आपको P03 के 3 में। अब यहाँ पे P03 ये अगर आपको बढ़ाना घटाना है तो बढ़ा कर रह सकते हैं, ठीक है, इंटर कर देना। अब उसके बाद होता है इंडिंग इंड स्पीड, जब माना ओपन स्लोइंग स्पीड, ओपन स्लोइंग स्पीड के लिए डी इंडिंग स्पीड है, यहाँ पर देखो F03 के 6 रुक 6 में आ गए और यहाँ पर एंटर करते हैं, ये 3 डाला हुआ है ऑलरेडी, 3 हर्ट्ज डाला हुआ मैंने यहाँ हर्ट्ज दिखा डाला हुआ है, 3 हर्ट्ज डाला हुआ है, कुछ नहीं करना, अगर बढ़ाना घटाना है तो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद बैक आ गए, अब मुझे चलना है क्लॉज मैन स्पीड पे, क्लॉज मैन स्पीड के लिए P04 है, P04 के एक्सेलरेशन टाइमिंग एंड डिसेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइमिंग एंड डिसेलरेशन मतलब क्लॉज करने में जल्दी करे या आहिस्ता आहिस्ता करे, उसके लिए यहाँ से एक्सेलरेशन डिसेलरेशन टाइमिंग ये सेट कर देना, और ये एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ये टाइमिंग ओपन के लिए कर देना। अब आता है क्लॉज के लिए सेट करता है, P04 क्लॉज का है, तो P04 में मैन स्पीड स्टार्टिंग स्पीड जो रखना है वो आप रख लीजिए, स्टार्टिंग स्पीड ये होगा माने स्टार्ट जब ओपन करना शुरू करेगी उसका स्पीड ये है, और जब मैन स्पीड जो रखना है वो P04 के 3 में, तो हमें P0 यहाँ पे आना बैक करना P04 के 3 में। अब इसमें चेक करते हैं 18 सही डाला हुआ है, मैंने स्पीड 18 हर्ट्ज डाला हुआ है, इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं मैंने स्पीड जो है। उसके बाद स्टार्टिंग स्पीड जो होता है जब खोलेगी माने जब क्लोज करने शुरू करेगी तो वो स्पीड स्टार्टिंग स्पीड होता है, और जब क्लोज करने के नज़दीक आएगी वो होता है इंडिंग स्पीड, देखते हैं वो कम है तो उसको बढ़ाने के लिए हमें जाना पड़ेगा P04 के 6 में, यहाँ से इसको 6 कर देना है, इंटर करना, इस पर 1.5 डाला हुआ, इसको आप 3 भी कर सकते हैं, शिफ्ट के शिफ्ट से शिफ्ट कीजिए इसको 3 कर दीजिए, 3 पॉइंट शिफ्ट कीजिए इसको 0 0 0 कर दीजिए इसको, और इसको शिफ्ट कीजिए इसको, ये तो 0 है, 3 हो गया, आप इंटर कर दीजिए, हो गया, अब अगले पैरामीटर चला गया। इसी तरह सारे पैरामीटर हमें सेट करना है, स्टार्टिंग स्पीड बढ़ाना है ओपन के टाइम में, ये ओपन का पैरामीटर है, ये डोर ओपन का स्टार्टिंग स्पीड बढ़ाना है, जो ओपन स्पीड जो है वो आपको ड्राइव के इसमें होगा, ओपन स्पीड में डिफॉल्ट स्पीड है ये 3 पॉइंट, इतना आपको डालना ओपन के लिए, जब ओपन करेगी स्पीड, जब क्लोज करेगी तो ये मेन स्पीड इतना होगा 20 हर्ट्ज, और जब ये लास्ट में जब नज़दीक आएगी क्लोज करने के ओपन करने के लिए, मतलब नज़दीक पहुँचती है स्लो होती है उसके लिए ये है एंडिंग स्पीड, आप क्लोज करने के लिए जैसे क्लोज करेंगे तो स्टार्टिंग स्पीड होना चाहिए 3 पॉइंट इतना हर्ट्ज, ये पैरामीटर में होगा, और उसके लिए ये मैन स्पीड 18 रखना है, और आपको जब इंड स्पीड है ये इंडिंग स्पीड जब पहुँचेगी तो वो रखना है। अगर आपको स्पीड में माने तेज़ी में क्लोज करवाना है, स्लो स्पीड में तेज़ी में क्लोज करो तो एक्सेलरेशन टाइमिंग को बढ़ाना पड़ेगा, अगर आहिस्ता करना है एक्सेलरेशन टाइमिंग को बढ़ाना पड़ेगा। तो पैरामीटर खोलना सबसे पहले सीखते हैं, ये अपना अपना मेनू कुछ नहीं है,
अब उसको हमें करना है ये दबाना है, तो ये पैरामीटर ऐसा आ रहा हो तो यहाँ से हला सकते हैं पैरामीटर, ये एफ़ में आ गए, एफ ये इंटर का बटन है, इंटर किए, अब हमें जहाँ जाना है वहाँ जाके, जब हमें वन में जाना है तो वन में गए, वन के अंदर चले गए, वन के वन में क्या डालना, टू के टू में क्या डालना, ये सारा डाला हुआ। ठीक है, अब ट्यूनिंग फिर से एक बार ट्यूनिंग करना सीख बताता हूँ। ट्यूनिंग के लिए क्या है कि मोटर के एफ़ वन के सिक्स में जाकर वन डालना है, तो एफ़ वन के सिक्स में पड़ जा रहा है, सिक्स में आ गए, अब इसमें मुझे वन डालना है, और कोई सा भी बटन ये वाला या ये वाला कोई सा भी दबाएंगे माने, तो ये ट्यूनिंग करना माने सॉरी एफ़ सिक्स डालना, उसके बाद इंटर करना है, इसमें वन वन करना है, स्किप सिक्स इंटर एफ़ सेवन, एफ़ सिक्स तो ट्यूनिंग हो गई है, एफ़ सेवन में कुछ नहीं करना, बाहर आ गए, ट्यूनिंग कर दिया हम इसे, एक बार देखिए ट्यूनिंग का, अब इंटर करना है एफ़ वन के सिक्स में जाना है, सिक्स में सिक्स में जाके वन करना है, एफ जीरो जीरो के थ्री में जीरो करना है, तो कीपैड से काम करेगा। ठीक है, ये हो गया, अब ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ एक बटन लगा हुआ है, ऑफ कर दिया, अब ऑन कर दिया। एक बार ट्यूनिंग बताता हूँ आपको, ट्यूनिंग करने के लिए सिंपल है, प्रोग्राम का बटन दबाना है, प्रोग्राम जाना है एफ वन के सिक्स में वन डालना है, और वन डालने के बाद ये वाला बटन दबाना है, ये ट्यूनिंग होना शुरू हो गया।